नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीओ श्रीवास्तव ब्लॉग्स में। मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि जहाँ पे हमारे दोस्त लोग रहते हैं बिहार में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ चुकी है। तो आप लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग अपनी राय कमेंट में आप करके बताइएगा। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बहाव हो गया है पानी का, बाढ़ टाइप की पूरी आ चुकी है। पहले आप लोग वीडियो देखिए फिर मिलते हैं। तो बिहार की जो कंडीशन इस समय चल रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बारिश की वजह से लगभग इतना आधा पानी आ गया है। लोग वहाँ पर बताते हैं, जो भी आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, भिटार सिटी का है बिहार के, तो हमारे दोस्त वहाँ पे हैं एक आशीष करके, तो दोस्त बहुत सारे हैं लेकिन आशीष से बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि जो कहाँ की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पानी लगभग 12 फीट भर चुका है, 3 फीट और अगर भर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, घर में पानी घुसने लगेगा। बाकी जो गांव वगैरह हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ के लोग भाग करके भिटार सिटी आ चुके हैं और लगातार बारिश हो रही है, 2 महीनों से रुक रुक कर हो रही है। तो जो वहाँ पे सीन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है फ़िलहाल तो, और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही लोगों को, तो सोचा एक वीडियो इसके बारे में बना दिया जाए। तो बिहार का जो भी सीन है आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय नीचे आप कमेंट करके बताइए। अदर गांव में इतना ज़्यादा बारिश हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है कि लोग भाग करके दूसरे गाँव में जा रहे हैं जहाँ पर पानी कम है, लेकिन बाढ़ की कंडीशन अभी भी बनी हुई है। जो वीडियो आया हुआ है उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है लोगों को, क्योंकि वीडियो बनने के बाद भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मैसेज बंदे ने किया था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिहार में। तो अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश तो लगभग 2-3 महीनों से चल रही है, लेकिन 1 वीक से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश होती है रुकती है, जब तक पानी सूखता है उसके बाद फिर बारिश हो जाती है। तो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। A few moments later. तो उत्तर प्रदेश में नज़ारा देख सकते हैं सुल्तानपुर का। बारिश वगैरह तो थोड़ा बहुत हो रही है, सुबह ज़्यादा नहीं हो रही है, मौसम देख सकते हैं। हर तरफ इस समय आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो केवल ट्रैक्टर वगैरह की तो जुताई वगैरह चल रही है जो भी चीज़ें हैं। और लालू भाई से मिलते हैं, कुछ चीज़ें से जानते हैं, क्योंकि इनके चैनल पर आने वाला है वो रिव्यू मूवी का। तो आप बताइए ज़रा, मूवी आपको कैसी लगी? आपने तो मुझसे पूछ लिया था कि हाँ मूवी कैसी लगी। चीज़ें देखने के लिए वीडियोस में देखिए, उसमें सारी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर बताया है, और हमारे शिवा भाई का भी ओपिनियन। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा क्या कैसे है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं देख लीजिएगा सौरभ भाई का वीडियो। तो माहौल देखिए, आज चारों तरफ पूरा ग्रीन सा ग्रीन ग्रीन सा हो रखा है। तो आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है और 2 तारीख को इंडिया में है, मतलब 2 अप्रैल को इंडिया का है फ्रेंडशिप डे, लेकिन फिर अभी सही बोल दे रहा हूँ फिलहाल, वो बच गया मैं गिरने से। तो आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, दोस्त बनाते रहो बढ़िया से एकदम मस्त वाला। तो देख सकते हैं पीछे धान वगैरह लग चुका है, पूरा माहौल देखिए काफ़ी बढ़िया है, लग चुका है एकदम रेडी हो चुका है। बारिश भी जो है कल रात हो गई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है 2-3 घंटे, तो देख सकते हैं पानी अभी भी दिख रहा है फिलहाल। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ रियर कैम से, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है एक नंबर का। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन थे अभी तक 2-3 महीने के, जो भी आपके सवाल जवाब थे, वो सारी चीज़ें होंगी, एकदम डिक्लेयर्ड मामला एकदम बढ़िया सा होगा जो भी चीज़ें होंगी। तो अगर जो चीज़ें आपकी आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें पूछ सकते हैं, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। और वो वीडियो बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि मैं सबका जवाब देने वाला हूँ जो भी क्वेश्चन थे, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो या कोई भी हो, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं फटाफट। जिसने भी पूछा है
उसको उसका तो मैं जवाब दूंगा ही फिलहाल तो, बाकी नज़ारा एक बार देख लीजिए। मौसम एकदम बढ़िया है, वेदर देख सकते हैं। तो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, Q&A वीडियो में अगले वाले। अगर रिलैक्स फील करना है तो भाई ऐसे ही मिल जाए बढ़िया सा टैंक और पैर डाल लो उसमें, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। देखिए हंस लाला, पूरा भी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, ठंडा ठंडा पानी है और माहौल देख ही सकते हैं आगे पीछे का एकदम मस्त वाला। इस वीडियो को आप लोग लाइक वाइक करिए और आप लोग अपना कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कुछ बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।